जांजगीर एक्सप्रेस 07 न्यूज छत्तीसगढ़। चांपा पालिका में संपन्न हुआ औपचारिक पद ग्रहण कार्यक्रम। रविवार 12 जनवरी को सुबह 12 बजे चांपा पालिका का नया नगर सरकार के द्वारा औपचारिक पद ग्रहण कार्यक्रम संपन्न हो गया है। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया गया कि दिन एवं शुभ मुहूर्त के मद्देनजर नए नवेले पालिका अध्यक्ष के द्वारा अपने नव निर्वाचित पार्षद व सदस्यों के उपस्थिति सहित नगर के वरिष्ठ कांग्रेसी एवं जांजगीर चांपा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक मोतीलाल देवांगन की गरिमामय उपस्थिति में औपचारिक पद ग्रहण का कार्यक्रम फिलहाल बिना किसी धूम धड़ाके के तरीके से संपन्न हो गया है। बताया जाता है कि इस औपचारिक से संपन्न हुए पद ग्रहण कार्यक्रम को पार्टी के ही लोगों की उपस्थिति में संपन्न कराया गया। यह पहला ऐसा अवसर है जहां पालिका अध्यक्ष के पद ग्रहण कार्यक्रम को इतना सादगी एवं बिना किसी तामझाम के मनाया गया है। इस पर पूछे जाने पर अध्यक्ष तथा पार्टी के वरिष्ठ जनों ने बताया कि जल्द छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी के गरिमा में उपस्थिति में चयनित स्थान पर भव्य शपथ ग्रहण समारोह सम्पन्न होगा। तब तक के लिए अच्छा मुहूर्त एवं अवसर देखकर रविवार 12 जनवरी को पालिका कार्यालय में ही एक सादे कार्यक्रम के दौरान पद ग्रहण कार्यक्रम को संपन्न कराया गया है। चांपा नगर पालिका में अध्यक्ष के पदभार ग्रहण का आज कार्यक्रम था और आज का दिन शुभ मुहूर्त निकाला गया था। उस आधार पर हमारे अध्यक्ष श्री जय थवाइत ने पदभार ग्रहण किया चांपा नगर पालिका अध्यक्ष का और इस अवसर पर सब लोग उपस्थित थे। तारीख तक ले किया गया है पदभार जो है 15 तारीख होने वाला है, ऐसा कुछ बताते हैं? नहीं, शपथ ग्रहण कार्यक्रम पूरे प्रदेश में नवनिर्वाचित अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चल रहा है और इसी सिलसिले में 15 तारीख को माननीय मुख्य अतिथि श्री डॉक्टर चरणदास महान जी अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा के द्वारा शपथ दिलाई जाएगी हमारे नव निर्वाचित अध्यक्ष उपाध्यक्ष और पार्षद गणों को। जैसे अभी अध्यक्ष महोदय बताया कि आज पदभार ग्रहण समारोह जो है चल रहा है। नहीं, आज का कार्यक्रम जो है यहाँ ऑफिस में पदभार ग्रहण का था। शपथ ग्रहण समारोह जो एक सभी जनप्रतिनिधि और नगरवासियों की उपस्थिति में आयोजित होगा। पिछले कार्यकाल में भी अध्यक्ष हमारे निर्वाचित हुए थे, उस समय भी जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था शपथ ग्रहण का, ये उसी तरह का कार्यक्रम है। आज के दिन संडे को जिले में सभी जगह अवकाश रहता है, तो आज के दिन क्यों किया गया? अब ये तो पंडित जी बताएंगे, आज का दिन शुभ मुहूर्त था उस आधार पर हम लोगों ने किया है।